बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ख्वाबों की तबीर पार्ट 8 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। रोटी खाना, ख्वाब में रोटी खाना बेहतरी की अलामत है, यानी आपके हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। रोटी पकाना, ख्वाब में रोटी पकाना नौकरी मिलने की अलामत है या फिर नया कारोबार शुरू करने की दलील है या फिर किसी भी जायज़ और हलाल तरीके से रोज़ी मिलने की अलामत है। रोटी तकसीम करना, ख्वाब में रोटी तकसीम करना इस अमर की दलील है कि ख्वाब देखने वाला सखी हो और अपने हाथों से गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाने वाला होगा। और ये सबसे अच्छा ख्वाब है, क्योंकि हम तकसीम करेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा और हमें ज़्यादा मिलेगा तो हम और ज़्यादा तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। रोटी मांगना, ख्वाब में रोटी मांगना किसी मुसीबत या परेशानी और तंग दस्ती की दलील है। रोटी फेंकना, अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वह रोटी फेंक रहा है तो ये वबा और बीमारी के आने का अंदेशा है। रोटी मुंह से निकालकर किसी और को देना, अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि उसने रोटी अपने मुंह से निकालकर किसी और को दी है तो ये इस अमर पर दलालत करता है कि उसका कोई करीबी अजीज़ उसकी जायदाद या माल पर कब्ज़ा करेगा। सफ़ेद रुई यानी कॉटन देखना, ख्वाब में सफ़ेद रुई देखना नेक और नफ़ा बख्श है, यानी अच्छी अलामत है, कोई फ़ायदा होने की अलामत है। और अगर रुई खाकी रंग की यानी गंदमी रंग की हो तो यह तंगी की अलामत है। रुई ख़रीदना, ख्वाब में रुई ख़रीदना मुश्किल के हल होने की उम्मीद है। रुई कातना, ख्वाब में रुई कातना यानी जो चरखे पर रुई कातते हैं तो ये तंगी दूर होने और रिजक में फराखी नसीब होने की अलामत है इंशाल्लाह। रुई को आग लगाना, रुई को आग लगाना माल ज़ाया होने की निशानी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ख्वाबों की बुराई से बचाए और उसकी अच्छाई हम तक पहुँचाए। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, सुकून दे, मुश्किलें आसान करे, परेशानियाँ दूर करे, बे औलादों को औलाद दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे। अल्लाह ताला हर एक की हर मुश्किल अपनी तरफ से गैब से हल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।